राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है नई औद्योगिक नीति का प्रभाव। नई औद्योगिक नीति की घोषणा सन 1991 में की गई थी। इस नीति के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर से अनेक प्रकार के नियंत्रण हटा दिए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं जो लाभ मिल रहे हैं उन्हें बनाए रखना, उद्योगों की कमियों या विकृतियों को सुधारना, उत्पादन वृद्धि में निरंतरता बनाए रखना, रोजगार के अधिक अवसर विकसित करना तथा उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल करने योग्य बनाना। इस नीति की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण। उदारीकरण, उदारीकरण के प्रमुख घोषित उपाय ये हैं। पहला, औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त करना। दूसरा, विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवेश। तीसरा, प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति। चौथा, पूंजी बाजार की सुलभता। पांचवा, मुक्त व्यापार। छठा, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की समाप्ति। और सातवां, औद्योगिक स्थानीकरण कार्यक्रमों में उदारता। सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों की सूची में शामिल 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही 1956 से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 4 करती गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग वे ही हैं जो सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील हैं। ये उद्योग हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा विभाग की सूची में दिखाए गए पदार्थ और रेल परिवहन। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरों में से कुछ भाग वित्तीय संस्थानों, सामान्य जनता और कामगारों को देने का फैसला किया है। परिसंपत्तियों की प्रारंभिक सीमा खत्म कर दी गई है और अब लाइसेंस मुक्त किसी भी उद्योग में निवेश के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी नहीं पड़ती। घरेलू निवेश की तरह भारत में विदेशी निवेश पर भी परंपरा से नियंत्रण चला रहा था। भारतीय कंपनियों को विदेशी प्रौद्योगिकी तथा विदेशी निवेश के लिए समझौता अनुबंध करने से पूर्व
प्रत्येक परियोजना के लिए विशिष्ट पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य था, लेकिन नई औद्योगिक नीति के अनुसार आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए घरेलू पूंजी निवेश बढ़ाने में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश से बड़ी मदद मिलती है। इससे न केवल घरेलू उद्योग लाभान्वित होता है, बल्कि उपभोक्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकी, विश्व में प्रचलित प्रबंधन कुशलता, मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग का लाभ भी मिलता है। इसीलिए विदेशी निवेश को उदार बना दिया गया है और सरकार ने नकारात्मक सूची को छोड़कर अन्य सभी मामलों में स्वतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। स्वतः विदेशी निवेश का सीधा सा अर्थ यह है कि विदेशी निवेशकों को निवेश करने के 30 दिनों के भीतर, साथ ही कोई शेयर जारी करने के भी 30 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को इस बारे में सूचित करना जरूरी है। उद्योगों में स्थानीयता को लगातार बढ़ाने का चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने वर्तमान औद्योगिक स्थानीकरण की नीति में भी परिवर्तन की घोषणा की है। केवल पर्यावरण संबंधी कारणों से बड़े शहरों में उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित किया जाता है। नई औद्योगिक नीति के अनुसार इन मामलों में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। पहला, जब परियोजना के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना हो जो अनिवार्य लाइसेंस वाले उद्योगों की सूची में शामिल हैं। दूसरा, बड़े नगरों वाला प्रतिबंध जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में उद्योगों की स्थापना करने पर लागू होता है। और तीसरा, जब लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तु का उत्पादन किसी अन्य क्षेत्र की इकाई द्वारा किया जाना हो, अन्य परियोजनाओं के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में एक ज्ञापन देना पर्याप्त होगा। निजीकरण। निजीकरण 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया गया था। 1951 में 5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे और इनमें 29 करोड़ रुपयों का निवेश था। 31 मार्च 2000 को उद्यमों की संख्या बढ़ते बढ़ते 240 हो गई तथा निवेश बढ़कर 2,52,554 करोड़ रुपए का हो गया। लेकिन नई नीति में पुरानी नीति को उलटने पर बल दिया गया है तथा औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। इसी के अनुसार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी नीति के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर सामरिक उद्यमों में सरकारी शेयरों अर्थात वित्तीय भागीदारी को 26% या उससे भी कम करना। दूसरा, भविष्य में सफल हो सकने वाले उद्यमों की पुनर्संरचना और पुनर्जीवन। तीसरा, बीमार उद्यमों को बंद करना। चौथा, कामगारों के हितों की पूरी पूरी रक्षा करना।
निजीकरण की दिशा में पहला कदम था उन उद्योगों की मान्यता समाप्त करना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध था। 1956 के औद्योगिक प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योगों को सुरक्षित कर दिया गया था, लेकिन अब केवल 4 श्रेणी के उद्योगों को ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। अन्य उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। यही नहीं, अब तो सैनिक साजो सामान बनाने वाले उद्योगों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26% तक हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में विवेक के आधार पर भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा सकता है। यही नहीं, नियंत्रण की मात्रा को कम करने तथा उत्तरदायित्व की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1988 में समझौते के ज्ञापन संकल्पना को लागू किया गया है। यह सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र की तरह चलाने के लिए पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। औद्योगिक नीति को उदार बनाया गया है। नए क्षेत्र जैसे खनन, बैंक, दूरसंचार, महामार्ग निर्माण और प्रबंधन को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। इतनी सारी छूट देने के बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमित ही रहा है। स्वीकृत और वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बीच काफी बड़ा अंतर रहा है। फिर भी विदेशी सहयोग की संख्या और मात्रा दोनों में ही वृद्धि हो रही है। इस निवेश का अधिकतर भाग घरेलू उपकरण, वित्त, सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के उपकरण तथा खाद्य और दुग्ध उत्पादों से संबंधित उद्योगों में हुआ है। निवेश में वृद्धि के साथ साथ बहुराष्ट्रीय निगमों के अनेक अवांछनीय लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। भारतीय कंपनियों का विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम सदैव लाभकारी नहीं रहा है। भारतीय बाजार में पैठ बनाने के बाद विदेशी कंपनियों ने भारतीय साझेदारों को अलग करने के प्रयत्न किए हैं। यही नहीं, विदेशी कंपनियां तो 100% अपनी गौण कंपनी स्थापित करना चाहती हैं। इससे उन्हें प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर मालिकाना नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय कुमार, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।